सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सोना वो मैंने कहा था। क्या किया तुमने? ये सारा रायता तुमने फैलाया है? नहीं सर, मैंने नहीं। ये नींबू ने। नींबू ने? नहीं सर, वो तो इस सर, अब माँ कहती है कि नींबू से ना सारी बला टल जाती है। वो तो टलेगी क्योंकि दूसरों के गर्दन में जो आ जाती है ना? और वैसे ये काली स्याही की चित्रकारी कैसे? सर ये चित्रकारी नहीं है, ये काला टीका है, माँ ने लगाया ताकि कोई मुझ पे बुरी नजर लगाए तो वो खुद जल के काला हो जाए, इस काले टीके की तरह उसको श्राप लग जाए। श्राप? हाँ सर। बड़ी मजाकिया लड़की है। केबिन में आओ। Oh my goodness, पीपी बॉस ने इसे केबिन में बुलाया है। अब तो जरूर इसकी क्लास लगने वाली है। नहीं सोना, अब मैं क्या करूं? इसे पीने से आदमी का दिमाग चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। तुम्हें ट्राई करना चाहिए। हाँ सर। तो ट्राई करो। पर सर आप फिर क्या पियेंगे? हाँ ट्राई। जाओ अपने राइट में जाओ, वहां से किताब लेकर आओ। हाँ वो वाली। ये? हाँ। सर अब पढ़ो। 12 मुल्कों की क्या? नहीं सब 12 मुला के घाटियों में क्या पढ़ रही हो? पढ़ना भी एक आर्ट है। मुझे तो सुनना भी एक आर्ट है। बैठो। बैठो। बारामुल्ला की घाटियों के पास एक घना जंगल है जिसे मौत का जंगल कहते हैं, जहां कोई भी इंसान अगर कदम रखे तो चलने के लायक नहीं रहता है क्योंकि लाश बन जाता है, उल्टा पेट पेट लटक जाता है। उल्टा लटकते? और 12 बजे लाश जागती है और ढूंढती है शिकार, फिर उसकी ओर बढ़ती है। टिक टॉक चुपचाप उसके पीछे खड़े हो जाती है और फिर उसके कान में घुसफुसाती है, मुझे तुम्हारा खून पीना है। फिर वो शिकार का गर्दन मोड़ती है, उसे काटती है और फिर उसका खून पीती है।
अभी चिल्लाई क्यों? क्योंकि वो डप्पू है और तू पप्पू, देखना भी कैसे दो मिनट में बाहर आएगी। क्या तुम मेरे वेबसाइट सच का सामना के लिए ऐसी दिलचस्प मसालेदार और सनसनी खेज खबरें ला सकती हो? हाँ सर, बिल्कुल आऊंगी मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूँ, तुम्हें उसे कवर करना होगा। सर वो असाइनमेंट किस बारे में है? इच्छाधारी नाग के बारे में। दीनापुर गांव में एक आदमी है जो नाग का रूप लेने वाला है। मुझे तुम्हें उस आदमी के बारे में, उस सांप के बारे में, मतलब वो जो कुछ भी है यार, उसके लिए खबर चाहिए अपने वेबसाइट सच का सामना के लिए। हाँ सर हो जाएगा। तो मैं ये नौकरी पक्की समझू ना? इतनी जल्दी नहीं, ये इम्पोर्टेंट असाइनमेंट वाले एक टेस्ट है, उसमें पास होने के बाद ही तुम सच का सामना के साथ जुड़ने के लिए लायक हो जाओगी। एक मिनट क्रिस, जूली को लेकर अंदर आओ। हेलो क्रिस, जूली को लेकर अंदर आओ। सर। तुम दोनों जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे जा रहे हो, तुम्हारे साथ सूर्या भी जाएगी। सोना सर। हाँ हाँ वही वही। सर वो ये क्यों जाएगी? क्योंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, लेकिन हर पत्थर हीरा नहीं होता, ये भी जौहरी जानता है, इसलिए तराशना तो पड़ेगा ही। राइट सर। राइट छोड़ो, फ्री की सैलरी मत लो, काम पे लगो। 1, 2 का 4 ऑफ टू दीनापुर। ओके सर, बाय सर। आइए आइए आइए, जी हाँ आ जाइए। बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने, आपने जो आज तक फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा और किताबों में पढ़ा होगा, वो सब कुछ आज आपके सामने होने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से जिन्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई है, वो आज हम सबके बीच में हैं। जय हो जय हो जय हो बाबा जय हो। 101 साल भूखे प्यासे रहकर हिमालय की गोद में कठिन तपस्या करके बाबा ने जो सिद्धि अर्जित की है, वो बाबा उसे आप सबके सामने दिखाएंगे, स्वयं को नाग रूप में बदलकर। बाबा आप अब स्वयं को इच्छाधारी नाग में परिवर्तित करके हम सभी को आशीर्वाद दें। तो आइए बाबा के नाग रूप के दर्शन करें। जो भी गरीब से अमीर होना चाहता है, जो अपने जीवन में सुख चाहता है, बाबा की कृपा हमेशा साथ में रहेगी। ओहो देखिए, पैसों से लालच मत कीजिए, बाबा की कृपा ले लीजिए, जितनी भी आप चाहें वो कम है। सुना सुना क्या हुआ? हेलो के ओके जूली, तुम एक काम करना, जो भी हम सवाल जवाब पूछेंगे रिकॉर्ड कर लेना। ये लो कैमरा, कम हियर, ये लो। मैं और रिकॉर्डिंग? नेवर। रिकॉर्डिंग के लिए है ना ये सोना। मेरी जैसी ब्यूटी के काम कैमरे के आगे है, ना कि पीछे। अरे यार रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है यार, उसका पहला दिन है, कैसे हैंडल करेगी कैमरा? कर लो ना यार प्लीज। तुम तो करवाओ ना उसे, उसने जॉब ज्वाइन क्यों किया है? जब आग में हाथ डाल दिया है तो जलने से क्यों डरना? ओके रिलैक्स सोना, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके अब जो हम सवाल जवाब करेंगे वो तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से करना। कभी कैमरा चलाया? ओके अच्छा इसे होल्ड करो।
ऐसे नहीं, अरे इसे ऐसे डालो। आओ। अब इससे देखो, इससे रिकॉर्ड होता है। अरे ठीक से याद दो, इसे ऐसे पकड़ो। अब देखो, इस बटन से रिकॉर्ड होता है। हाँ। इससे प्ले, इससे पॉज। और जब भी तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट दिखे ना, देखो इससे तुम जूम कर सकती हो ऐसे। अंडरस्टूड? हाँ। ओके। समझ गई। अरे। ओह, सोना। पहले गोबर, अब और एक कीचड़। बन गई ना आज की स्टोरी? फिर मेरी माँ, दो मिनट तो चुप किया कर। कम। ओके, बहुत ही गंदा हो गया। अच्छा तुम जल्दी जाओ और इसको साफ करके। ओके, टाइम नहीं हमारे पास। चलो जूली। अरे पिटारी में सांप है ना, बोल तो नहीं गया। देख अगर सांप नहीं होगा तो खेल नहीं होगा आज का। झूम क्यों रहा है? दारू पी के आएगा सुबह सुबह? नहीं बेटा। ये किस खेल की बात कर रहे? सब्जी में कुछ लाल तो नहीं? एक मैं तुझे बता रहा हूँ, उसमें सांप है कि नहीं मेरे को बता। हाँ। देख आज का हीरो सांप, वो बाबा नहीं है, समझ गया ना? मेरी पिक्चर फ्लॉप मत करवा देना यार, समझ मेरी बात को। बहुत लोग हैं आज बाहर, अगर कोई भी गड़बड़ी तो बहुत जूते पड़ेंगे। एकदम ताजा ताजा ताजा। हाँ। अभी सांप लेके आया है कि केला उठा लाया किसी का? ए, अभी अभी जंगल से पकड़ के ले आया, इसीलिए बोल रहा हूँ ताजा ताजा। मतलब ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले हैं। ये बाबा कोई नागवाग नहीं बनेगा, बल्कि ये आदमी बाबा को सांप से बदलेगा। यार क्या चालाक उल्लू है ये लोग। उल्लू के लोमड़ी, अरे यार जो भी है, मुझे क्या, मैं अपना काम करती हूँ। जंगल से? अरे यार वो जहरीला सांप होगा। आप ही तो बोले थे कि जल्दी जल्दी आना, और एक बजे ठीक आना था, इसलिए जी को पकड़ के ले आया। अरे तुझे बोला था ना ऐसा सांप लेके आना जिसमें जहर ना हो, ये भूल गया तू? याद नहीं रहता तुझे? जो है सो यही है, बाकी जो थे ना चाचा मेले में लेते थे, अभी चाहिए या लेके चल? लेके मत जा भैया, तू रुक जा। तू प्लान चौपट करेगा क्या मेरा? तू बैठ यहाँ और पिटारा संभाल, जब मैं तुझे आवाज दूंगा तब तू बाहर आ जाना। ठीक है, समझ गया? हाँ। और झूम मत, चुपचाप बैठ। सांप का ख्याल रख। हाँ है? मैं बुलाऊंगा तब आना। अरे यार ये सोना कहाँ रह गई यार, अपने पहले ही चांस में गड़बड़ करने वाली है वो। अरे यार रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो रिकॉर्डिंग निकल जाएगी सब, इतना अच्छा मौका निकल जाएगा हाथ से यार, इतनी अच्छी स्टोरी। उसे लाने की नीड ही नहीं थी हमें। यार मेरी माँ, काम करें प्लीज, काम पे ध्यान देना यार। अगर इस सांप ने किसी को डस लिया, बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं काम करती हूँ, अभी जाके ये बात कृष को बता दियो। मुझे लगता है मैं फोन से रिकॉर्ड कर लूं।
कर दिया? ये टोकरी मैंने क्यों खो दी? सांप तो बाहर निकल गया, ये जहरीला था। अगर इसने किसी को काट लिया तो ये सपेरा कहां मर गया? आया क्यों नहीं अब तक? ये मेरी लंका लगाएगा आज। Hey, अरे यहाँ क्या पड़ा है? सांप चाहिए बाहर। चलियो, वारक वारक चलती रंग। टोकरी रखो और निकल। सपेरा निकल, सपेरा निकल। अरे इधर निकल। टोकरी तो खाली है, ये तो खाली है। अरे तुम्हारे कहाँ गए नाग बाबा? सांप तो दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है ये ढोंगी बाबा है। पागल बनाता है क्या हमें? हमारे विश्वास को मजाक बनाता है। छोड़ा ना इसको, इस पापी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मारो मारो इसको, मारो इसको, मारो 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 इसको। मेरे पास ना एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? ये बाबा वाव ना सब नाटक है। एक जहरीले सांप से उस बाबा को बदलने का प्लान था और मैंने ये सब कुछ ना इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। और क्रिश, वो जो सांप था ना वो अभी इस कुएं में है। क्रिश, अब सच का सामना की साइड पे होगा। ढोंगी बाबा का खुलासा। गुड जॉब सोना, गुड जॉब। मैं ले लेती हूँ ना। क्रिश ने मुझे बोला था। अरे पर जूली, सोना। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, 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 क्या हुआ? नहीं प्लीज देखिए सर। अरे इनको तो किसी सांप ने काटा है और इनकी आंखों को देख के लग रहा है, अरे बिल्कुल नीली हो गई आंखें। व्हाट बॉय, हरी अप कम, इनको जल्दी से आईसीयू में लेके चलो। अगर बॉडी में जहर फैल गया तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरी अब, आप लोग यहीं ठहरिए। जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस सांप ने भी इन्हें काटा लगता है बहुत ही जहरीला और खतरनाक था। सिस्टर, गेट मी डबल डोज एंटीवेनिन इंजेक्शन। सिस्टर हरी अप।
CPR immediately. Hurry up. कहाँ है मेरी बच्ची? हाँ, बोलो ना, वो ठीक है ना? चुप क्यों? बोलो ना कुछ. आंटी, वो आईसीयू में है, उसे स्नेक ने काटा है. She's dead. मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है. कुंडले में 8 का दिन ही दोषी था. देखा क्या हाल हुआ अपनी फूलसी बच्ची का. अगर उसे कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं होगा उसे आंटी. डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं आंटी, उसे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी. डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची? वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब. देखिए, उनके यहाँ आने से पहले ही जहर उनकी बॉडी में पूरी तरह से फैल चुका था और हमको नहीं बचा पाए. I'm really sorry. मेरी मुरली वाली मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते. मेरे सोना को मुझसे नहीं छीन सकते. ऐसा नहीं हो सकता. मेरी सोना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती. कहीं नहीं जा सकती वो. बस बहुत हो गया तेरा नाटक. चल उठ जा. वैसे ही तेरी माँ बहुत परेशान है. तू उसे और परेशान करेगी. बोल ना, इन सबको दिखा दे तू जिंदा है. दिखा दे तू जिंदा है. उठ जाना सोना, उठ जाना सोना. सोना अपनी आंखें खोल बेटा, आंखें खोल बेटा. बस कर मास्टरनी जी, नहीं उठेगी वो. हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद में है. अकेला करके चली गई अपने माँ बाप को. नहीं सोना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती. मुझे छोड़ के नहीं जा सकती. मैं कह रही हूँ ना,